क्वेश्चन नंबर 10 देखना, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है, ध्यान देना आप लोग, क्या क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखा हुआ क्वेश्चन में 20 से कम लेस देन ठीक है, यहाँ लिख देता ठीक है, लेस देन 20 ठीक है, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, फिर इसके बाद 40 से 50, 50 से 60 ऐसा दिया हुआ ठीक है। कितने का गैप है यहाँ पे, 10 का गैप है ठीक है, कितने गैप है यहाँ पे 10 का, तो इसमें 20 पे 10 कम करें कितना हो जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 हो गया, 70 से 80 ठीक है, 80 से अधिक भी गया ना तो 80 से 90 ठीक है। इसका एफ निकाला थोड़ा सा कचरा है, एफ ये हो गया क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी ठीक है, 20 से कम कितना है 8 होगा, 20 से कम तो 8 का 8 हो गया, 30 से कम कितना है टोटल 38 है, 30 से कम मतलब यहां से पूरा यहां तक, 40 से कम का मतलब 40 यहां से पूरा यहां तक, कम का मतलब होता है यहां से पूरा यहां तक, जहां से स्टार्ट किया वहां से पूरा 40 तक ठीक है। तो 10 से 30 तक कितना टोटल 38 है, इस 10 से 30 तक कितना टोटल 38 है, इसमें से 8 घटा देंगे हम लोग तो क्या बनेगा 20 से 30 का बन जाएगा, वैसे 10 से पूरा 40 तक कितना है टोटल 53 है, यहां से यहां तक कितना टोटल 53 है, इसमें से 30 और 8 माइनस कर दूंगा, 38 माइनस कर दो मैं मेरा निकल जाएगा ये 15 आ जाएगा इसका, 8 30 कितना हो गया 38, कहने का मतलब यहां से यहां तक कितना था 38 था ऑलरेडी, 10 से 30 तक ऑलरेडी कितना था 38 था, इसमें से 38 माइनस कर दिया खत्म, वैसे भी लेस देन वाले में उसको एक को जैसे इस करें तो इसमें से इसको माइनस करते हैं इसको माइनस करते आ जाता है ठीक है। चलो 40 से 50 का आपको दिया कितना 2, इसका दिया है 8 और इसका दिया हुआ आपको 30, फिर 70 से अधिक में दिया 17 और इसका दिया आपको 80 से अधिक दिया 4, यहाँ पे 17 माइनस 4 अधिक वाले में क्या करते हैं इसमें से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है 17 माइनस 4 मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो 4 माइनस 1 अधिक वाले में ऐसा माइनस करते आ जाएगा 17 माइनस 4 13, ये बना हमारा फ्रीक्वेंसी ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्पेशन का विषमता गुणांक, कार्पेशन का विषमता गुणांक के लिए क्या निकालते थे हम लोग एक्स बार मतलब समांतर माध्य मीन निकालते ना एरिथमेटिक मीन, उसके बाद निकालते थे जेड, जेड निकालने के सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी इसमें 30 और 30, अब कंफ्यूजन हो गया, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा ग्रुपिंग टेबल समूहीकरण सारणी बनाना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आपको बहुत सारी चीज ऑलरेडी निकालना है वहां पे हम लोग समूहीकरण सारणी नहीं बनाते, तो फिर क्या रीजन है इसका कि समूहीकरण सारणी ना बनाए और आंसर कैसे लाए फिर ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे मीडियन और फॉर्मूला में छोटा सा चेंज हो जाएगा ऐसे करके यहाँ पे 3 आ जाएगा ठीक है, फॉर्मूला में छोटा सा चेंज आ जाएगा बस, हम लोग अब पहुलक की जगह पहले हम लोग पहुलक निकालने की कोशिश करेंगे, अगर पहुलक नहीं निकल सकता आपका है ना आपका जो मोड है वो नहीं निकल सकता क्यों, कुछ सबसे अधिक आवृत्ति 30 और 30 मान लीजिए 15 चार बार रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ा 30 है यहाँ पे लेकिन 30 सबसे बड़ा है वो दो बार रिपीट हो गया, तो हम लोग ग्रुपिंग टेबल से बनाते हैं, लेकिन ग्रुपिंग टेबल भी यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज बनाने को है, आपको समांतर माध्य भी निकालना है और फिर आपको क्या बोलना चाहिए प्रमाप विचलन जो स्टैंडर्ड डेविएशन सब चीज निकाल के फिर आपको विषमता गुणांक भी निकालना है उसका ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट उसका मीडियन निकाल देंगे ठीक है। इस बार तो मीडियन निकालने में क्या जरूरत पड़ता है आपको सी एफ, सी एफ कैसे निकलता पता है आपको 8 का 8 8 38 38 38 15 53 53 और 2 55 63 93 106 108 एक बार आप लोग चेक कर लो ठीक है,
हो सकता है मेरे जोड़ने में गलती हो जाए। ठीक है, इसको ऐड करते जाओ, एक पार्ट आ जाएगी, चेक कर लो, ये 110 आएगा। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, 93 और 3 10। हाँ ठीक है, 110। ठीक है, तो अगर एन की जरूरत पड़े तो 110। ठीक है, और हमको प्रमाप्तिकरण के लिए क्या जरूरत पड़ता था, dx, ds के बाद फिर fdx। ठीक है, dx की जरूरत पड़ती है, क्योंकि x माइनस या जो संख्या लूंगा मैं वो लूंगा। ठीक है, बताऊंगा कैसे। उसके अलावा और fdx, एक dx ही करता था, एक डी स्क्वायर x। ठीक है, फिर उसके बाद होता है fdx और एफ डी स्क्वायर एक्स। इतने कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ध्यान सुनना आप लोग, यहाँ पे एक फॉर्मूला डी एस भी होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, जहां डी एक्स निकलता है, और जहां डी एस निकलता है उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसको लघु विधि बोलते हैं, इसको पद विचलन विधि बोलते हैं। दोनों आसान है, लेकिन इसमें आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसी से बनाएंगे, आपको उदाहरण में ज्यादातर यही देगा क्योंकि वो इजी पड़ता है, किसके लिए, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है। पर हमारे पास तो कैलकुलेटर है, हमारे पास यहाँ 1000 का भी मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग कर लेंगे, 1500 का भी हुआ, 1499 का भी हुआ तो भी कर लेंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास। बिना कैलकुलेटर वाले को हम लोग 11 यूज करवाते हैं, जैसे कोई सीए कर रहा है, कुछ और कर रहा है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा है, उसके पास अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है उनको, ये वाला फॉर्मूला बताते हैं, आप लोगों को डी एक्स वाला बताएंगे। ठीक है, वैसे इसमें भी ज्यादा टफ नहीं जाता। डी एक्स मतलब क्या होता है, पहले हम लोग एक्स वो निकालना पड़ेगा, बिट वैल्यू। यहाँ पे कॉलम और बनेगा किसका, एक्स का। ठीक है, एक्स का, जिसको बोलेंगे हम लोग बिट वैल्यू। एक्स ही नहीं क्वेश्चन में, हम लोग डी एक्स निकालेंगे कैसे निकलेगा, यही निकल सकते। ठीक है, x माइनस यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स ऐसे निकलता है, 10 और 20 को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 15, 20 और 30 का मध्य मान 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ है, तो इसके बीच का आंसर क्या होगा, 50 आएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे और 8 से डिवाइड करोगे, इसके बीच की वैल्यू कितनी आएगी, 50। सर उसी में से किसी को भी ले सकते हैं, हाँ आप किसी को भी लेके बना सकते हो, पर ज्यादातर बीच का वैल्यू लेना चाहिए, और दशमलव में आए तो दशमलव को हटा देना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे x माइनस x बार लिख सकता हूँ, पर x बार नहीं लिखूंगा, क्यों, अगर x बार दशमलव में है तो मैं दशमलव नहीं लूंगा, इसलिए मैं वहाँ पे x बार हटा दिया, और कोई भी मैं बीच का वैल्यू डाल दूंगा, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 50। ठीक है, या फिर आप 45 लिख सकते हो, मैं अगर इसको जोड़ू तो 400 आएगा टोटल, 400 8 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 50। मैं 50 लिख सकता हूँ, 46 लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ, 45 लेके बनाओगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, 50 लेके बनाओगे तो भी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना हम लोग लेके बनाते 45, कारण बताओ, 0-0 आएगा, 15 में से 45 लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालना है, अगर किसी कंफ्यूजन है तो x को जोड़ के जितना संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 से डिवाइड कर देना, तो 50 आ रहा है, तो हम लोग 45 इसीलिए, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -30 आ रहा है, -20, -10, फिर 0, फिर +10, 20, 30 और ये 40। अगर मैं 50 लेके बनाता तो यहाँ पे आता आपका 35, -35, -25 ऐसे करके, तो आता तो भी वो बन जाता हम लोग से। ठीक है, चलो dx निकल गया, dx के बाद dx का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना आसान है, बिना कैलकुलेटर निकाल सकते हो आप, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 0-0 का 2-0, 2 का स्क्वायर 4 और 2-0, 100, 100, 400, 900, 40, 16, 100। ठीक है, उसके बाद एफ डी एक्स मतलब इसका एफ के साथ मल्टीप्लाई, बताते जाओ देखो। ठीक है, dx का ना, dx का
ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, भाई साहब प्लस में आएगा, ठीक है। इधर प्लस का साइन डाल देता ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। कितना 240 हाँ 600 150 जीरो 80 600 390 ऐड कर दो, फिर एफ डी स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स मतलब ये कॉलम एफ के साथ मल्टीप्लाई 7200, ठीक है। आप लोग ना कुछ लोग ये करो कि इसको जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। चलो देखिए 30 30 × 400 नहीं चार जीरो जाएगा 100 × 800 हाँ बोलो बोलो कौन सा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थर्टीन इंटू नाइन तीन 117 ठीक है। 4 × 16 ठीक है। टोटल कर दो इसका, अगले बार मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। अगर गलत हो तो फिर हमारा क्लियर आप लोगों को कॉलम। देखो जहां से ना पहले क्वेश्चन को जमा दिया, अरेंज कर दिए, सी एफ मतलब एफ 8 × 8 8 × 30 38 38 × 15 53 53 × 2 55 ऐसे करके ले लिए, ठीक है। एक्स मतलब इसका मिड वैल्यू, मध्य मान जैसे निकालते थे, जैसे 50 और 60 को जोड़े 110 को 2 से डिवाइड किए तो 55, 40 और 50 को जोड़े तो 90 को 2 से भाग दिए तो 45 डिवाइड कर दिए, ठीक है। फिर x से हम लोग dx निकाले, dx कैसे निकाले, इससे कोई बीच का एक वैल्यू ले लिए तो हम लोग 45 ले लिए, क्योंकि 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का आधा कितना था 4, तो चौथा ले लिया डिजिट 45, ठीक है। अब ये 15 से 45 को माइनस किए तो -30, 25 से माइनस 45 को माइनस किए तो -20, 35 से 45 को माइनस किए तो -10 आया, कैलकुलेटर में करो तो -10 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया dx, dx का फिर स्क्वायर निकाल दिए, dx का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर ये हो गया। अब f dx मींस ये आपका dx और ये f, इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो f dx आ गया f dx, फिर इसी f का d स्क्वायर x के अंदर f d स्क्वायर x हो गया, कंप्लीट हो गया ये हमारा कॉलम, ठीक है। अब हम निकाल लेते सबसे पहले समांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की गणना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन या शॉर्ट में मीन, ठीक है। किससे रिलेट करते हैं, x बार से, तो हम लोग ए प्लस समेशन एफ बी एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ या एन, ठीक है। एक फॉर्मूला चेक कर लेते हम लोग, चलिए ठीक है। ये आ गया हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए, मतलब ये जो माइनस किए हैं 45 प्लस ये कितना था
FDX का टोटल कितना है 240 240 डिवाइड बाय कितना 110 तो x बार इज इक्वल टू 45 बस कितना रही है 2.18 अराइव करके 47.18 आ गया x बार। एक बार बुक आंसर चेक करो, आ रहा बुक आंसर? ठीक है चलो अब हम लोग कर लेते हैं मध्यिका की गणना। मध्यिका की गणना हम लोग ऐसे बहुलक की गणना करते, पर बहुलक की गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति 30 है, क्योंकि दो बार आ गया है। तो ग्रुपिंग टेबल यहाँ पे बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग मीडियन निकाल के बना रहे हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियन के फॉर्मूला सबसे पहले मीडियन नंबर निकालते हैं। मीडियन नंबर कैसे निकालते हैं? स्मॉल एन लिखते हैं उसको, एन डिवाइड बाई टू, एन कितना 110 डिवाइड बाई टू तो जाएगा 55। 55 किस में डराइव हो रहा है? 55 में ही आ रहा है। इसके सामने वाला F, L1, L2 और उसके ऊपर वाला C। यहाँ हियर L1 बराबर, L2 बराबर, F इज इक्वल टू और स्मॉल C इज इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि हमारा इसमें L1, L2 40-50, फिर 2, 40, 52 और 53, चलो मीडियन निकाल देते हैं। जरूर निकालना है मीडियन। कैपिटल M इज इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस c डिवाइड बाय F L2 माइनस L1। L1 कितना था हमारा? L1 था हमारा 40, ठीक है। प्लस स्मॉल m हमारा 55 है, स्मॉल m 55 माइनस c कितना है 53, F कितना है 2 से 2 डिवाइड होगा तो एक ही मतलब ही आएगा, इंटू 50 माइनस 40, इसका टोटल आंसर 50 आएगा। मतलब 40 प्लस इसमें तुम्हारे से 2 डिवाइड बाय 2 इंटू इसमें तुम्हारे से 10, ठीक है। तो m इक्वल टू में पहले कवर हो रहा है कि नहीं है? पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। 40 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 और 10 हो जाएगा 10, m इक्वल टू आ गया आपका 50, x इक्वल टू आ गया आपका x बार इक्वल टू 47.18 और m आ गया आपका 50, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रमाप विचलन, उसके बाद फिर विषमता गुणांक निकाल देंगे, ठीक है। चलो प्रमाप विचलन निकाल देते हैं हम यहाँ पर। प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। साइन क्या था ऐसे करके, ठीक है। क्या था फॉर्मूला हमारा? प्रमाप है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन f d स्क्वायर x डिवाइड बाय n माइनस f d x डिवाइड बाय n होल स्क्वायर, आई थिंक ये था फॉर्मूला, ठीक है। एक मिनट, इस पर कवर नहीं हुआ, ये था फॉर्मूला आपका, ठीक है। ये कितना है हमारा? 51,600। n कितना है हमारा? 110, ठीक है। 51,600 n कितना हमारा? 110 माइनस एफ डी एस कितना था? 240 240 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है।
दिखाता हूँ ये एम मेरा है 50, एक्स वाला 47.18, प्रमाण मिला मेरा 21.21, ठीक है। जे के इक्वल टू 3, इसमें से तो माइनस में कितना आएगा 2.82, वो भी माइनस में, हाँ 21.5483, आपको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8.46 माइनस में डिवाइड बाय 21.5483, अब उससे से डिवाइड कर दो 0.39 चलो लिख देते हैं अप्रॉक्स लगभग है हमारा आंसर माइनस है हाँ माइनस है ना माइनस ठीक है